मुरली कुशवाहा है ग्राम सीतापुर का, और उसकी पत्नी पिस्ता देवी। तो इनके भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट था और उसके अकाउंट से कुछ विड्रॉल हुआ है। इसका ये कहना है कि गलत विड्रॉल हुआ है, और इसकी शिकायत लेकर करके मेरे पास पहले आए थे, और 2-3 राउंड की सुनवाई इसमें मैं कर चुका हूँ। बैंकर्स जो बैंक है उनके मैनेजर को बुला करके हमने सारा रिकॉर्ड लेकर के एक जो प्रारंभिक जांच होता है वो हमने किया। करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ विड्रॉल हैं, अलग अलग टाइम पे विड्रॉल हुआ है, कुछ विड्रॉल ऐसे हैं जो गलत हस्ताक्षर से हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हस्ताक्षर मिलान नहीं होता। मेरे हिसाब से ये बैंक वालों को भी देखना चाहिए था। तो मेरे मत से बैंक के स्तर पे लापरवाही की गई पैसा विड्रॉल करने में। मेरे हिसाब से इसका पैसा गलत ढंग से निकला है, पीड़ित तो है। इस संबंध में मैंने बैंकिंग लोकपाल को लिखा, इसके जो इसका जो मामला है कि इसको राहत पहुंचाया जाए। बैंक के आरएम को हमने एक पत्र लिखा, एसपी साहब को एक पत्र लिखा कि इसकी जो मामला है इसमें संज्ञान लेकर करके और अनुसंधान किया जाए। मुझे पता चला कि पुलिस के पास ऑलरेडी एक मामले में जांच चल रही है इस मामले में, और ये बैंक के लोगों ने मुझे बताया कि ऑलरेडी पुलिस जांच कर रही है। तो ये मामला थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और इतनी आसानी से होगा नहीं। आज अचानक मुरली कुशवाहा और उसकी पत्नी जन सुनवाई के सामने जैसे ही मैं निकला तो वो मिट्टी तेल लेकर के और खड़े थे माचिस लेकर के। मुझे लगता है उसकी अज्ञानता है, उसको पता नहीं कि ये काम कितना मुश्किल है और टाइम टेकिंग है, और एटलीस्ट जो है वो हमारे दफ्तर से संबंधित नहीं है सीधे सीधे, और हम लोगों से जितनी हेल्प उसकी हो रही है उतना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अज्ञानता बस उन्होंने किया। उस समय उसके हाथों में जो मिट्टी तेल और माचिस वगैरह था वो छीन करके उसको अलग किया गया। मुरली कुशवाहा अपनी पत्नी को भड़का रहा था बार बार कि इसके लिए उकसा रहा था, उसको भी खींच करके अलग किया गया, और कुल मिलाकर के फिर शांत समझा करके के उसको शांत मन से बताया गया, तो उसे समझ में आ गई है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके साथ जो ये दिक्कत हुई है, उसकी जो परेशानी है, उसमें जो हेल्प करेंगे।